नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 3A पूरी कर ली थी और आपने अच्छे से एग्जांपल भी निकाल लिए होंगे। और जिसको एग्जांपल में दिक्कत आई है या कोई एग्जांपल नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना ताकि आपको उस एग्जांपल का सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 3B करेंगे। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि जो हमारा केंद्रीय का वक्र है उस वक्र में कोई एम द्रव्यमान का या कोई डब्लू भार का पिन लटका दिया, जिसे केंद्रीय क्या करती है, क्या फर्क पड़ेगा ये देखिए। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारा केंद्रीय का वक्र है, ये बिंदु ए है और ये इसकी विस्तृति है, ये बिंदु बी है। अब आप यहां पर इसके मध्य में कोई वजन लटकाए तो क्या फर्क पड़ेगा देखिए। अब मान लीजिए हमारे घरों में जो तलनी होती है इसके बीच में हम कोई बारीक कपड़ा सुखाते हैं या फिर कोई एम द्रव्यमान या कितना भी हम वजन लटकाए तो उसकी आकृति में क्या फर्क पड़ेगा, ये थोड़ी इसमें तीखापन आ जाएगा, ये आकृति इस प्रकार हो जाएगी। मान लीजिए आकृति इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए, अब हम हमारा वक्र ये से ये हो गया। अब हम इस आकृति पर चर्चा करेंगे। अभी हमने आकृति ठीक है इसको हम भूल जाते हैं। और ये जो हम न्यूनतम बिंदु सी मानते हैं वो बिंदु हम सी, अब ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए इसकी लंबाई हम एस मानते हैं तो वो एस अब कौन सी हो जाएगी, हम यहां से लेकर ये लंबाई मानते हैं तो वो एस लंबाई हो जाएगी। ये लंबाई तो रस्सी की उतनी है, बस उसमें क्या है थोड़ा हमने वजन लटकाया इसकी वजह से यह आकृति ऐसी हो गई, पर लंबाई तो ये एस और ये एस टू एस है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, जब हम वजन लटकाते हैं तो दो काल्पनिक रेखाएं होती है जिसका हमें अध्ययन करना पड़ेगा। ये कोई दो काल्पनिक रेखा है, यहां से ये और इस रेखा से ये, इसको मान लीजिए C1 या C2 नाम दे दीजिए। ये न्यूनतम बिंदु से ये जो आप रेखा मिलती है इससे दो काल्पनिक रेखा मिलती है, हमें इनका अध्ययन करना है। और ये जो हम दूरी C मानते थे ना यहाँ से न्यूनतम बिंदु C से, वो हमारी दूरी इस चैप्टर में ये होगी, ये दूरी C है। ठीक है, ये दूरी C हो गई। अब हम बिंदु सी पर तनाव कैसे निकालते थे, न्यूनतम बिंदु सी पर हम कहते थे कि जो तनाव होता है वो डब्लू सी के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें तनाव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहां पर तनाव निकालते थे तो यहां पर स्पर्श रेखा क्या होती थी, अब इस बिंदु सी पर हम स्पर्श रेखा यहाँ पर इस क्षैतिज रेखा के समांतर होती थी, इसलिए स्पर्श रेखा तो स्पर्श कोण 0 तो था इसलिए हमें नहीं मानते थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो तीखापन आया है इस बिंदु के लिए हम तनाव निकाले तो एक तो इस नदी के लिए तनाव होगा और एक तो इस नदी के लिए तनाव होगा। इस तनाव की चर्चा करें तो इस बिंदु पर इस तनाव का ये घटक क्या हो जाएगा, ई कोस हमारा कोण क्या होगा, यहाँ से ये कोण साई 1 या साई मान लीजिए तो ये कोण भी दोबारा कोण कितना होगा साई होगा, सीधी सी बात है ये कौन है साई। ठीक है, ये होगा। अब तो इसके लिए टी को साई वन और ऊर्ध्वाधर दिशा में टी 1 साइन साई 1, इसके लिए तनाव इस दिशा में क्या होगा, इस डोरी के लिए तनाव इस कोण के लिए क्या होगा टी 1 को साई 1 और इस ऊर्ध्वाधर दिशा में T1 साइन साई 1। ठीक है, इतनी हमें ये जब कोई केंद्रीय की आकृति पर M द्रव्यमान का पिन लटकाए तो ये फर्क पड़ता है। ये तो बिंदु B रहना है, बिंदु B पर तनाव पहले ही होता था कि तनाव बराबर W डोरी का भार इनटू ऊंचाई जो हम Y मानते थे, अब ऊंचाई हम Y मानते कोई दिक्कत नहीं है, चलो Y मान लिया। ठीक है, तो तनाव यहाँ तो डब्लू वाई होना है तो यहाँ पर तनाव क्या हो जाएगा, हम पहले तनाव क्या करते थे कि टी
साइन साई साई साइन साई बराबर डब्लू बार इंटू यहां से ये तक की दूरी मान देते जो सी होती थी। अब हमारी दूरी देखे कौन सी होगी, हम ये हमारी कैटरनरी आकृति होती थी, हम इस बिंदु को तनाव कैसे निकाल देते। मान लीजिए कोई बिंदु हम पी पर चर्चा करते थे तो यहाँ पर पी को साई जहाँ स्पर्श कोण होता था और इसके संतुलन करने के लिए पी जीरो जो कि डब्लू सी के बराबर होता था, यहाँ पर इसके दिशा में पी साइन साई और इसके नीचे क्या घटक होता था डब्लू एस, ये मान लेते ना। तो इसके लिए देख लीजिए क्या होगा, अब ये टी वन साइन साई कितना हो गया 2T1 sin psi 1, इसके बराबर में नीचे हमारा जो भार रखा है वो डब्लू डैश के बराबर हो जाएगा और इधर वाला घटक कैंसिल हो गया, तो हमारे लिए अब ये बात है ठीक है। और हमारे लिए जंजीर की लंबाई ये हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी। और अब चाप की लंबाई की बात करते हैं, इस बिंदु सी से ये जो सी हमने डैश माना है यहाँ तक के चाप की लंबाई मान लीजिए एस जीरो मान लेते हैं, एस जीरो तो यहां से कितनी हो जाएगी एस जीरो ठीक है। अब हम इसको ज्यादा बेहतर समझने के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन ये है कि एल लंबाई की डब्लू भार वाली एक समान जंजीर, एल लंबाई मतलब कैटरनरी की लंबाई कितनी है एल, हमने यहाँ पर एस मानी थी। तो अब देखिए हमारा ये डायग्राम फिक्स है, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को बनाना ठीक है। तो एल लंबाई की डब्लू बार वाली है, तो एल लंबाई है तो यहाँ से कितनी हो जाएगी ये एल बटा दो और ये इधर वाली एल बटा दो, डब्लू बार है इस लंबाई का बार क्या दे रखा है डब्लू। एक समान जंजीर एक ही ऊंचाई पर दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लटकी हुई है, ये अगर ये लंबाई हमारी वाई है तो ये भी कितनी होगी वाई, ये स्थिर बिंदु है ये मान लीजिए ए है, तथा इसके मध्य बिंदु पर ये जो मध्य बिंदु है ना इस कैटरनरी का, इसके मध्य बिंदु पर एक डब्लू डैश भार लगा हुआ है, ये जो हमने इतना इसको खींचा है वो किस कारण, ये डब्लू डैश के कारण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डब्लू डैश है ठीक है, ये डब्लू डैश है। यदि मध्य में जोर के हो, अब देखिए पहले हम जोर बिंदु यहाँ पर एम से लेकर हम यहाँ तक मानते थे, अब हमारा जोन क्या हो जाएगा ये जो के दे रखा है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये बिंदु सी तक लास्ट तक, ये बिंदु सी तक ठीक है। अब सिद्ध करना है कि आधार के किसी भी बिंदु पर खिंचाव या फिर तनाव ये होगा, खिंचाव क्या है तनाव, ये तनाव हमें किसी भी बिंदु पर मतलब बिंदु बी पर निकालना चाहे बिंदु ए पर या फिर कोई बिंदु पर हम खिंचाव निकालेंगे तो हमारा ये सिद्ध करना है कि ये आएगा। अब चलो जी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि एल लंबाई की डब्लू भार वाली एक समान जंजीर है, अब लंबाई एल है और डब्लू भार इस जंजीर का है, तो हम क्या जानते हैं कि एकांक लंबाई का भार क्या होता है, हम क्या मानते थे स्मॉल डब्लू मानते थे ना, ये लो स्मॉल डब्लू है लेकिन ये जंजीर का भार बटा जंजीर की लंबाई इसके बराबर होता है ठीक है। अब हम इसे समीकरण नंबर एक दे देते हैं, अब हमें निकालना क्या है, ये तनाव निकालना है ये ठीक है। तो बिंदु सी पर हमें तनाव क्या दे रखा है, हम तनाव निकाले तो इधर वाला मैंने बताया ये घटक कैसे लोगे, ऊपर वाला क्या हो गया 2t1 sin psi 1 बराबर किसके बराबर होगा इसे डब्लू डैश, तो ये लो जी डब्लू डैश ठीक है, ये समीकरण नंबर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है ना तनाव के लिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि टी बराबर टी साइन साई बराबर क्या होता है डब्लू एस, ये डब्लू हम जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं एस किस बिंदु पर निकाल रहे हैं उस बिंदु के लिए अलग अलग होगा ना, एस क्या होगा देखिए अगर बिंदु बी पर तनाव निकाले तो एस ये एल बटा दो और ये एस जीरो मतलब एस जीरो प्लस एल बटा दो, अगर बिंदु सी पर निकाले तो सिर्फ लंबाई कितनी होगी एस, एस जीरो ग्राम होगी। अब ये फॉर्मूले में बिंदु सी पर निकालते इस फॉर्मूले को, बिंदु सी पर देखे क्या है, बिंदु सी पर टी कितना है
T1 मतलब T1 है ना, तो T1 और साइन साई 1 बराबर W S, S क्या है, S 0, ये लंबाई होगी बिंदु, अरे बिंदु C के लिए S के उसी आठवीं लेकर आठवीं लंबाई, ठीक है। तो T1 साइन साई 1 क्या आ गया, W S 0, आ समीकरण में दिया हमने T। अब तो अब समीकरण एक व तीन से दो नंबर दे होगी, चलो एक नंबर दो नंबर तीन नंबर आ गई, तो समीकरण देखो दो है तीन से क्या आ गया, दो ये दो T1 sin psi 1 किन बराबर है, W S 0 बराबर क्या आ गया W डैश। अब पहले W वैल्यू रख दिया और जो जी दो W किए, आपने जो स्मॉल W है वो W बटा L है, कैपिटल W में तो यहाँ लिखूँ एस स्मॉल W तो उसमें ये मोड, ठीक है। तो ध्यान रखा कि बिल ना हो जाए, आज जी W बटा L तो इनको किया एस जीरो बराबर किया W डैश, तो आत्मा पर क्या निकाल जाएगा, पहले एस जीरो को भी निकाल जाएगा, तो एस जीरो बराबर किया गया ये W डैश, ये बच्चे W डैश, ये टू एल इसके, ये एल इसके बाद में है, ये इसके ऊपर गुणा में चला गया, टू डब्ल्यू से क्या गया बाद में, अब एस जीरो भी रह जाएगी समीकरण नंबर चार, ठीक है। अब आप हम वो निकालना डब्ल्यू इंटू वाई, वाई किया है आग भी देख लिए, ठीक। अब वाई के लिए निकालनी पड़ेगी अपन इन्हें लिए, वाई के लिए लिखेंगे बराबर है के जोर और बिंदु सी के लिए जिसकी नीचे दूरी है वह दूरी अपन के मान लिया, चलो कुछ मानते हैं, पहले हम इतना काम हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं एक फॉर्मूले से और वाई के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दूं क्या, ये हमारे काम आएगा, ये वाली काम आएगी एस जीरो की वैल्यू वो हम रख लेंगे, एक बार मैं इसे मिटा रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो देखें एस जीरो की वैल्यू क्या आ रही है, डब्ल्यू डैश एल बटा टू डब्ल्यू, हाँ जी। तो हमारे पास अब एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि y की स्क्वायर बराबर क्या होता है c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में हम बिंदु c पर और बिंदु b पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बताओ बिंदु c पर क्या आएगा, बिंदु c के लिए इस फॉर्मूले में y क्या होगा, ये बिंदु c है, y क्या होता है, इस फॉर्मूला क्या कह रहा है कि y की स्क्वायर मतलब जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उससे क्षैतिज रेखा तक की दूरी, अगर बिंदु b पर बात करूं तो क्षैतिज रेखा की दूरी कितनी है, y है, बिंदु C पर यह दूरी कितनी होगी, अब इस दूरी को हम क्या माने, चलो जी बिंदु C के लिए इस दूरी को हम मानते हैं, अगर k हो गया उससे मान लो n मान लो सही, ये तो जी ये n आ गया, ठीक है। तो बिंदु C पर y बराबर क्या है, n है, ठीक है। ये बिंदु C, C कितना है, C मतलब जो हम न्यूनतम बिंदु से दूरी निकालते हैं, इसके लिए तो न्यूनतम बिंदु से दूरी C मानी है, तो बिंदु इस फॉर्मूले में बिंदु C के लिए C कितनी है, C होगी, तो S कितनी है, देखिए बिंदु C के लिए S मतलब न्यूनतम बिंदु की दूरी, ये दूरी कितनी होगी S 0, ये चाप की लंबाई S के लिए क्या हुई S 0, तो मान रखो n की स्क्वायर बराबर C स्क्वायर मतलब C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर मतलब S 0 का स्क्वायर, ये हमारी समीकरण नंबर हमारी ये चार थी, ये मुझे तो पाँच। और इसी फॉर्मूले को बिंदु B पर अप्लाई करते हैं, बिंदु B पर देखो y मतलब नीचे तक क्षैतिज रेखा तक की दूरी हमने y मानी, जो किसके बराबर है k प्लस n, यहाँ से बिंदु C तक की ये n और बिंदु C से ऊपर तक m तक कितनी होगी k, मतलब y की वैल्यू क्या है n प्लस k, ठीक है ना। तो y की वैल्यू आ गई n प्लस k, C तो न्यूनतम बिंदु से नीचे तक की दूरी ये C होगी, C तो कोई भी बिंदु हो जो उसके लिए C हम जो न्यूनतम बिंदु से दूरी मानेंगे वही होती है, ठीक है। और S क्या होगा, ये देखिए S बराबर S 0 प्लस L बटा दो, कैसे ये बिंदु B है, अब बिंदु B से बिंदु C तक की दूरी कितनी है L बटा दो, और ये बिंदु हम तो जानते ही काल्पनिक रेखा जाती है,
वहां से तक ये दूरी कितनी होगी एस जीरो। तो बिंदु बी की चर्चा करें तो यहां से लेकर लास्ट बिंदु सी वन तक कितनी है एस जीरो प्लस एल बटा दो। तो ये एस जीरो प्लस एल बटा दो। अब मान रखे सी वाई स्क्वायर मतलब एन प्लस के का होल स्क्वायर बराबर सी की वैल्यू सी एस जीरो की जगह एस की जगह एस जीरो प्लस एल बटा दो का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू एन के बराबर क्या आ गया सी स्क्वायर प्लस एस जीरो का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटा चार प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी दो कैंसिल हो जाएगा एल जीरो एस सॉरी एल एस जीरो। ठीक है अब हमें ये वाई निकालनी है मतलब एन प्लस के की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास वैल्यू किसकी है हमारे पास के तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है हमें वैल्यू निकालनी है इस एन की। तो एन की वैल्यू के लिए देखिए क्या करेंगे ये समीकरण नंबर छः है इसमें पाँच का उपयोग करते ताकि एन स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से रखते। तो चलो जी समीकरण नंबर छः में वैल्यू रखो पाँच हुआ है छः से देखिए क्या आ गया एन स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर प्लस एस जीरो का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू एन के बराबर सी स्क्वायर प्लस एस जीरो का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटा चार प्लस एल एस जीरो। ठीक है ना ठीक है। तो देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल एस जीरो स्क्वायर कैंसिल क्या बच गया हमें ये निकालना है टू एन के। हम एक बार टू एन के इधर रखते हैं बाकी को उतने जगह क्या बच गया एल स्क्वायर बटा चार प्लस एल एस जीरो माइनस का के स्क्वायर। ये तो चला गया हमारे पास के तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें बस क्या निकालना है एन ताकि के प्लस एन की वैल्यू जो वाई आ जाए वो इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दे। तो जी एन की वैल्यू क्या गई यहाँ से एल स्क्वायर बटा चार दुनी आठ के प्लस एल एस जीरो बटा टू के माइनस के स्क्वायर बटा टू के मतलब के बटा दो। ये आ गया एन की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब इस एन की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे इस बिंदु बी पर हम तनाव निकाल रहे यहाँ पर रखते हैं तो इसको एन की वैल्यू तो बाकी मिटा देता हूँ। ठीक है अब देखो हमारे पास एस जीरो की वैल्यू है कहाँ आएगी ठीक है और एन की वैल्यू है वो एन की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। चलो देखो कि हम पी बराबर क्या निकाल रहे थे डब्ल्यू ये हमारे डब्ल्यू क्या होता है समीकरण एक से देखो डब्ल्यू टायर होता है। ठीक है और ये वाई क्या है एन प्लस के के प्लस एन एन क्या है ये रहा एल स्क्वायर बटा आठ के प्लस एल एस जीरो बटा टू के और माइनस का के बटा दो। ये सबसे पहले तो के माइनस के बटा दो क्या बच गया देखिए W बटा L प्लस अब ब्रैकेट K माइनस K बटा दो क्या बच गया K बटा दो बच गया प्लस L स्क्वायर बटा 8K प्लस L S 0 बटा 2K। ये हमारी इसकी वैल्यू P की वैल्यू है लेकिन हमें क्या प्रूफ करनी है हमें इस प्रकार लाना है तो हमें इसमें K और L W W डैश चार पद है मतलब F जीरो पर में इसको हटाना है। तो चलो P का भी क्या आ गया ये W बटा L ये लो W बटा L K बटा दो ये रहा K बटा दो प्लस L स्क्वायर बटा आठ K ये क्या है L बटा टू K इंटू एस जीरो एस जीरो के लिए देखो W डैश L बटा टू W। ठीक है तो P बराबर क्या आ गया गुणा करें तो W K बटा 2L ठीक है प्लस L स्क्वायर से L कैंसिल हो गया एक L बच गया L बटा 8K W प्लस W डैश ये W W क्या हो गया कैंसिल हो गया L से L कैंसिल हो गया क्या बच गया कि L L L स्क्वायर है तो एक L कैंसिल हो गया ये बच गया W डैश एल बटा दोगुनी चार के डब्लू कैंसिल हो रहा के। यही हमें क्या करना है सिद्ध करना है ना कि डब्लू के इंटू बटा टू एल एल बटा आठ के डब्लू हमारा ये क्या है
डब्ल्यू बटा आठ के, यहाँ पर एल है ना, ये एल ठीक है, प्लस डब्ल्यू डैश एल बटा चार के, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और फिर ही नहीं बताओ तो नीचे मोबाइल नंबर है उन पर व्हाट्सअप पूछ लेना। मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए, आप जब पूछ लेना ठीक है ना, नहीं समझ में आई। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है वैल्यू चेंज कर दिया है। आप ये दूसरा क्वेश्चन जरूर निकालना, दूसरे क्वेश्चन में देखें क्या है कि ये डायग्राम जैसा है, क्वेश्चन भी एल की जगह मान चेंज है, डब्ल्यू का मान चेंज है, मध्य बिंदु पर डब्ल्यू डैश बार लगा हुआ है, और अगर जोर का मान चेंज करता है, मतलब इस क्वेश्चन में आप सीधा यहाँ से भी अप्लाई करोगे ना तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप, मैं देखता हूँ आप क्वेश्चन नंबर दो कितना निकालते हैं। ठीक है, थीका?